भगवान श्री कृष्ण की स्तुति, जिन्होंने जगत की उत्पत्ति स्थिति और संहार में निमित्त भूत अपनी लीला द्वारा ब्रह्मा विष्णु और रुद्र रूप से सत्व रज और तम इन तीन शक्तियों को ग्रहण किया है, जो सभी प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से वर्तमान हैं और जिनका मार्ग किसी के दृष्टिगोचर नहीं है, उन अपरिमित महिमा वाले सर्वोत्तम पुरुष को मैं प्रणाम करता हूँ। धर्म मार्ग में रत पुरुषों के दुख को दूर करने वाले, अधर्मियों का दमन करने वाले, नाना प्रकार के फल देने के लिए भिन्न भिन्न देवताओं का रूप धारण करने वाले तथा परमहंस आश्रम में स्थित अर्थात आत्मनिष्ठ पुरुषों के लिए उनका ध्येय भूत आत्मस्वरूप देने वाले भगवान को मैं फिर प्रणाम करता हूँ। भक्तों के पालक के लिए नमस्कार है। भक्तिहीन पुरुषों को जिनकी दिशा भी दुर्लभ है, अर्थात उनके लिए जो दुर्गे हैं, ऐसे आपके लिए नमस्कार है। आपके बराबर या आपसे अधिक ऐश्वर्यशाली कोई दूसरा नहीं है, इस कारण उस समता रहित निरतिशय ऐश्वर्य से अपने स्वरूप भूत ब्रह्म में रमण करने वाले आपको प्रणाम है। जिनका कीर्तन स्मरण दर्शन वंदन श्रवण और पूजन मनुष्यों के पापों का तत्काल नाश कर देता है, उन मंगलमय कीर्ति वाले भगवान को नमस्कार है। विवेकी पुरुष जिनके चरणों की सेवा अर्थात भजन के द्वारा इहलोक और परलोक दोनों से ही मन की आसक्ति हटाकर परिश्रम रहित हो मोक्ष पद को प्राप्त कर लेते हैं, उन मंगलमय कीर्ति वाले भगवान को नमस्कार है। कृच्छ्र चांद्रायण आदि तप करने वाले, दानी यशस्वी अर्थात कूप आदि बनाने वाले, मन को अपने वश में रखने वाले, मंत्रवेत्ता अर्थात योगी एवं सदाचारी पुरुष जिनके लिए अपने अपने कर्मों का समर्पण किए बिना तप आदि का फल नहीं पाते हैं, उन मंगलमय कीर्ति वाले भगवान को नमस्कार है। किरात हूण आंध्र चांडाल आभीर कंक यवन खस आदि पाप जातियां और कर्म से पापी अन्य अन्य लोग भी जिनके भक्तों के आश्रय से शुद्ध हो जाते हैं, उन महाप्रभावशाली भगवान को नमस्कार है। जो धीर पुरुषों के आत्मा रूप से उपास्य हैं, जो वेद तप और धर्म से उपास्य हैं और जिनके स्वरूप को निष्कपट भक्ति संपन्न ब्रह्मा शिव आदि आश्चर्य से देखते हैं, वे सबके अधिपति भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न हों। श्रीपति यज्ञपति प्रजापति बुद्धिपति अर्थात साक्षी लोकपति पृथ्वीपति अंधक वृषणी और सात्वत यादवों के कुल के पति तथा गति अर्थात सब आपत्तियों में रक्षक और भक्तों के पति भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न हों, जिनके चरण कमल के ध्यान रूप समाधि द्वारा विशुद्ध हुई बुद्धि से विवेकी पुरुष जिनके अर्थार्थ तत्व को जानते हैं और विद्वान लोग यथामति जिनके महात्म्य का वर्णन करते हैं, वह भगवान मुकुंद मेरे ऊपर प्रसन्न हो। कल्प के याद में ब्रह्मा के हृदय में सूक्ष्म रूप से वर्तमान सृष्टि संबंधिनी स्मृति का विस्तार करने वाले जिस अंतर्यामी से प्रेरित हुई वेद रूपा सरस्वती शिक्षा व्याकरण आदि छह अंगों के साथ ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट हुई, ज्ञानदाताओं में श्रेष्ठ ऐसे भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न हों। जो व्यापक परमात्मा पृथ्वी आदि पांच महाभूतों से इन भिन्न भिन्न शरीरों को बनाकर उनमें अंतर्यामी रूप से निवास करते हैं और जो मन सहित 11 इंद्रियों और पांचों प्राणों के प्रेरक होकर 16 विषयों को भोगते हैं, वह भगवान मेरी वाणी को अलंकृत करें अर्थात माधुर्य आदि गुणों से विभूषित करें। जिनके मुख कमल के मकरंद अर्थात वेदांत सूत्र और पुराण आदि का गुण विशिष्ट शिष्यों ने आस्वादन किया है, उन वेद आदि की सृष्टि के प्रवर्तक भगवान वासुदेव के अवतार श्री व्यास जी को नमस्कार है।